गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड आज हमारा पैथोलॉजी का दिन है और जैसे हमने अपनी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट किया है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बेडिंग मीडिया। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए व्हाट इज एम्बेडिंग मीडिया, देखो हमने पूरा मेथड जो था टिश्यू प्रोसेसिंग तक कर लिया था, ठीक है, फिक्सेशन किया, टिश्यू प्रोसेसिंग किया। टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आता है एम्बेडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं सपोर्टिंग मीडिया में हमारे टिश्यू को क्या करते हैं एम्बेड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एम्बेडिंग, इन द प्रोसेस इन विच टिश्यू इज एनक्लोज्ड इन द सपोर्टिंग मीडिया यूजिंग मोल्ड्स, ठीक है। हम मोल्ड, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई कपकेक बनाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं मोल्ड में अपना सारा बैटर डालते हैं, ठीक है। तो वो जो बैटर है उसको आप एम्बेडिंग मीडिया समझ लो, और उसके बीच में जो मान लो कि आपने कोई पर्टिकुलर फ्लेवर बीच में डालना है, ठीक है। जैसे बीच में आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए और बाहर आपको वनीला चाहिए, तो आपने क्या किया स्ट्रॉबेरी को वनीला से एम्बेड किया, ठीक है। मतलब कि जो आपको चीज चाहिए वो सेंटर में है एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, हमें तो इसमें इन केस में तो हमें टिश्यू को एम्बेड करना है ना, तो टिश्यू के आसपास हमने क्या किया एम्बेडिंग मीडिया डाला, ठीक है। और एम्बेडिंग मीडिया हमारे पास पैराफिन वैक्स भी हो सकता है, जेलेटिन भी हो सकता है, अलग अलग तरह के पैराफिन सॉरी एम्बेडिंग मीडियाज आते हैं। तो उस एम्बेडिंग मीडिया को यूज करके हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं वो मेल्ट कर जाता है, वो पहले क्या होगा मोल्टन फॉर्म में होगा, फिर वो फ्रीज कर जाता है, ठीक है, फिर वो सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है और उस सॉलिड के अंदर आपको टिश्यू देखने को मिलता है। तो वो हुआ एम्बेडिंग, मतलब कि किसी जो आपका रिक्वायर्ड टिश्यू है उसको आपने किसी एक सपोर्टिंग मीडिया से एम्बेड किया, उसको सपोर्ट किया और उसको मोल्ड के अंदर डाला ताकि आपको एक पर्टिकुलर शेप मिल सके, ताकि आप उसकी माइक्रोटोमी कर सको और उसकी स्टेनिंग कर सको, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो कपकेक है, जब हम अगर उसको हमें हार्ट शेप चाहिए, सर्कुलर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको मोल्ड में डालेंगे ताकि हमें रिक्वायर्ड शेप मिले। उसी तरह से हमारे पास जो टिश्यूज के लिए जो आते हैं मोल्ड्स जो टिश्यूज के लिए होते हैं, हमारा टिश्यू कैसे होता है ऐसे होता है ना, जिसकी यहाँ पे बीच में टिश्यू होता है और ये पूरा पैराफिन होता है, फिर इसके अंदर ही पूरा ब्लॉक कैसेट जैसा होता है, इसके अंदर पूरा आपने देखा होगा जिनकी हिस्टोपैथिक पोस्टिंग लगी होगी, तो इस तरह से वो पूरा ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास लगता है एम्बेडिंग मीडिया एंड एम्बेडिंग मीडिया को हम किसमें डालते हैं मोल्ड में डालते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मोल्ड्स के, देखो मोल्ड्स में पहले हम यूज करते थे ल्यूकार्ट्स मोल्ड, ठीक है, ल्यूकार्ट्स मोल्ड्स हम पहले यूज करते थे जब हमारे पास कैसेट्स नहीं होती थी, तब हम ल्यूकार्ट्स मोल्ड्स यूज करते, जिसको आप बोल सकते हो एल मोल्ड भी बोलते हैं, एंड ये एल शेप्ड होता है बेसिकली, ठीक है। और आपसे वाइवा में प्रैक्टिकल में जब आपको स्पॉट्स पूछे जाते हैं तो उस टाइम में भी आपसे पूछा जाता है कि ये इसको क्या बोलते हैं, तो वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, एल शेप में होता है ऐसे वो, ठीक है। एंड ऐसे हम उसको मतलब ऐसे रखोगे और यहाँ को एक एल होगा, मतलब दो एल्स, और ये बन गया पूरा आपका स्मोल्ड, एंड इसमें हम यहाँ पर टिश्यू रखते हैं और बाकी यहाँ सारे में डालेंगे हम एम्बेडिंग मीडिया, एंड जब ये सॉलिडिफाई होगा तो क्या हो जाएगा आपको टिश्यू जो है वो एम्बेड हो जाएगा हमारे पास एम्बेडिंग मीडिया में। तो ये था मोल्ड को लेके, पहले हम क्या करते थे ल्यूकार्ट्स मोल्ड यूज करते थे, और अब हम जो यूज करते हैं वो होती है कैसेट्स, ठीक है। हमारे पास कैसेट्स आती है एंड कैसेट्स में हमारे पास अलग अलग कलर की होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, जो एक डिफरेंट चीज के लिए बनी होती है, पर्टिकुलर टिश्यू के लिए वो बनी होती है। तो अगर मैं बात करूं देखो कौन कौन से कलर्स, ग्रे कलर होता है हमारे पास, ठीक है, एक ग्रे कलर में आता है हमारे पास, एक होता है आपके पास ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, ठीक है, ये पांच तरह के बेसिकली हमारे पास कलर्स रहते हैं। जो ग्रे कलर होता है वो किसके लिए होता है, वो स्किन के लिए है, वो स्किन बायोप्सीज के लिए होगा। जो ग्रीन कलर है वो रूटीन, जो आपका रूटीन लैब वर्क हो रहा है उसके लिए हमारे पास होगा ग्रीन कलर। अगर बात कर जाए येलो कलर की, तो येलो होता है लीवर या फिर रीनल बायोप्सीज के लिए, ठीक है, जबकि लीवर और रीनल बायोप्सीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं येलो मोल्ड, येलो कैसेट। और बात कर जाए पिंक की, तो पिंक होता है हमारा लिम्फ नोड्स के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई लिम्फ नोड के लिए कोई बायोप्सी आई है तो उसके लिए हमारे पास होगा पिंक कलर। अगर बात कर जाए व्हाइट की, तो व्हाइट होता है बोन्स के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए हमारे पास ये अलग अलग तरह की कैसेट्स होती है, और ये कलर जो है इन इन बायोप्सीज के लिए है, इन इन टिश्यूज के लिए, ठीक है। तो ग्रे कलर स्किन के लिए है, ग्रीन हमारे जो रूटीन का काम हो रहा है उसके लिए है, येलो है लीवर रीनल के लिए, पिंक होता है लिम्फ नोड्स के लिए, एंड व्हाइट होता है बोन्स के लिए। तो ये थी सारी टाइप्स की हमारे पास कैसेट्स, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सारी तरह की कैसेट्स। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, कैसे कैसे आप एम्बेडिंग करते हो। देखो पहले हमारे पास स्मूथ सरफेस पे हम क्या करते हैं अपने मोल्ड को रखते हैं, या फिर अपनी कैसेट को रखा हमने, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैसेट्स होती है जिसके अंदर हम इन बायोप्सीज को डाल के फिर इसको टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं और टिश्यू प्रोसेसर से ये बाहर निकलता है। पहले हम करते थे ल्यूकार्ट्स मोल्ड यूज, अब हमारे पास आते हैं स्टील के मोल्ड्स,
ठीक है, अब हम स्टील मोल्ड्स को यूज करते हैं। ये तो मतलब इनको मोल्ड्स पसंद है, ये कैसेट्स है, कैसेट्स में तो हम टिश्यूज डालते हैं ताकि हम उसको पूरा प्रोसेस करें। जैसे मैंने आपको पिछली बार जब वो कराया था टिश्यू प्रोसेसिंग करा था, उसमें कहा था कि बास्केट के अंदर आप कैसेट्स डालते हो और कैसेट्स पूरे टिश्यू प्रोसेसर में रोटेट करती है, ठीक है। तो वो कैसेट्स होती है, कैसेट्स के अंदर हम टिश्यू डालते हैं। कैसेट्स कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, एंड उसमें ऐसे कट्स और ऐसे स्क्वायर स्क्वायर होते हैं और ऐसे आप उसको बिल्कुल बंद कर देते हो, ठीक है। आपने देखा होगा ग्रोसिंग रूम में होता है, उसके अंदर ही उसको ही हम टिश्यू प्रोसेसर में डालते हैं। ये तो कैसेट्स की बात थी, लेकिन जो अब हम यूज करते हैं होते हैं स्टील मोल्ड्स। पहले ल्यूकार्ड्स मोल्ड यूज होते थे, वो अलग अलग होते थे, उनको हमें पूरा ओवरनाइट रखना पड़ता था तब जाके वो पूरा शेप आता था, लेकिन अब हम यूज करते हैं स्टील मोल्ड्स। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है हमारे पास इसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने मोल्ड को एक बिल्कुल प्लेन सर्फेस पे रख रहे हैं, बिल्कुल प्लेन सर्फेस पे मोल्ड को रख लिया। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अपना एम्बेडिंग मीडिया, ठीक है। एम्बेडिंग मीडिया हम इसके अंदर अपना पोर करेंगे। हमने क्या किया, अपना मोल्टन एम्बेडिंग मीडिया डाला, पैराफिन वैक्स डाला, और हमारा टिश्यू जो है वो बिल्कुल यहाँ पे हम क्या करेंगे सेंटर में रखते हैं, उसको ओरिएंट करते हैं। और टिश्यू क्या है, वो ओवरनाइट कहाँ गया है, टिश्यू जो है वो ओवरनाइट हमारा टिश्यू प्रोसेसर में प्रोसेस हुआ है, ठीक है। उस टिश्यू को हम डालेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम इसके अंदर टिश्यू हमारा एम्बेड हो गया, और उसको हम इसके ऊपर नंबर लगा देंगे ताकि हमारा जो है टिश्यू जो है वो किसी और पेशेंट का मिक्सअप ना हो जाए, आगे चल के हमारी जो स्टेनिंग है नंबरिंग है वो बिल्कुल सही रहे, ठीक है। तो नंबर टैग के साथ हम क्या करेंगे, इसमें टिश्यू एम्बेड कर देंगे और ये हमारी यहाँ पे एम्बेडिंग कंप्लीट होगी। लेकिन एम्बेडिंग के टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी होती है, होता है ओरिएंटेशन, कि हमने टिश्यू को किस हिसाब से एम्बेडिंग मीडिया में डालना है, कि जब आप माइक्रोटोमी करो, जब आप सेक्शन को कट करो, तो आपको वही पार्ट देखने को मिले जो आप देखना चाहते हो। अगर मानो कि आप, अगर मानो कि आपको एपिडर्मिस देखना है, ठीक है, तो आपने टिश्यू को जो है वो इस तरह से रखना है कि जब आप उसका सेक्शन कट करो तो जो आपका सेक्शन निकले उसमें आपको एपिडर्मिस दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि आपको एपिडर्मिस दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ और ही पार्ट दिख रहा है, तो आपको टेस्ट किस चीज का देना, आपको माइक्रोस्कोपी किस चीज की करनी है, उसकी उस हिसाब से हमारे पास टिश्यू की जो है ओरिएंटेशन मैटर करती है। अब हम देख लेते हैं कि कैसी कैसी किस किस टिश्यू को हम कैसे कैसे ओरिएंट करते हैं। अब देखो जो एलोंगेटेड टिश्यूज होते हैं ना, एलोंगेटेड, उनको हम डालते हैं डायगनली, ठीक है। कोई ऐसे लंबा सा टिश्यू होगा तो उसको आप क्या करोगे, डायगनली मोल्ड करोगे, ठीक है, उसको डायगनली रखोगे, फिर उसके अंदर एम्बेडिंग मीडिया इस तरह से डालोगे कि जो टिश्यू है वो बिल्कुल वैसे के वैसे पोजीशन में जो है वो बिल्कुल उसमें सेट हो जाए और बिल्कुल सॉलिडिफाई कर जाए। और जो हमारे पास स्मॉल बिट्स में बिट्स आती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े जैसे जिनको आप बोल सकते हो टिश्यू के, उनको हम क्या करते हैं लॉन्ग एक्सिस में रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस में बिल्कुल उनको लाइन में लगाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास आपको पता है वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और जो ट्यूब्यूलर होते हैं वो होते हैं वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। और रही बात एपिथेलियल सर्फेसिस की, जिन टिश्यूज में आपको एपिथेलियल सर्फेस देखना होता है उन टिश्यूज को भी हम क्या रखते हैं डायगनली रखते हैं। जो स्किन बायोप्सीज है वो भी डाउनवर्ड्स रखते हैं हम, ठीक है, स्किन बायोप्सीज जो है वो डाउनवर्ड्स रखेंगे। एंड जो हमारे पास इंक्ड सेक्शंस भी आते हैं कुछ, ठीक है, जैसे मानो कि आपके पास कोई पार्ट ग्रॉस करने के लिए कोई बायोप्सी आई है हिस्टोपैथ में, तो कुछ टिश्यूज ऐसे थे जिसमें हम इंक लगा देते हैं, उसको इंक करते हैं, तो जो इंक्ड पार्ट होता है उसको भी हम डाउनवर्ड्स रखते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ ओरिएंटेशन जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एम्बेडिंग करते हैं तो ओरिएंटेशन ही मैटर करता है। हमने ओरिएंटेशन ही गलत करी होगी टिश्यू की तो फिर हम कैसे टिश्यू को सही से देख पाएंगे और क्या उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। तो हमने टिश्यू कौन सा पार्ट देखना है उस हिसाब से हमारी जो है ओरिएंटेशन मैटर करती है। तो ये तो होगी ओरिएंटेशन की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं एम्बेडिंग मीडिया से, कि कौन कौन से एम्बेडिंग मीडिया हमारे पास होते हैं। अब अगर बात करी जाए कि कौन सा एम्बेडिंग मीडिया हमने यूज करना है, तो उसकी भी हमारे पास तीन चार कंडीशंस रहती है, उसके ऊपर ही हमारे पास उसके ऊपर ही हमारी एम्बेडिंग मीडिया की चॉइस जो है वो डिपेंड करती है। जो तीन फैक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा एम्बेडिंग मीडिया यूज करना है, वो है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप ऑफ माइक्रोटोम, ठीक है, एंड टिश्यू। कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं, कौन सा माइक्रोटोम हम यूज कर रहे हैं कटिंग के लिए, एंड कौन सा हम टिश्यू यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा चॉइस ऑफ एम्बेडिंग मीडिया। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के मीडिया कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एम्बेडिंग मीडिया हम यूज कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब टाइप्स की अगर बात करी जाए तो बेसिकली आपने देखा होगा लैब्स में हमारे पास कौन सा यूज होता है, हमारे पास यूज होता है पैराफिन वैक्स, ठीक है, पैराफिन वैक्स हम यूज करते हैं। एंड पैराफिन वैक्स को हम एज एन इम्प्रेगनेटिंग मीडिया भी यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जो आपका इम्प्रेगनेशन मीडिया होता है वो हमारा मिसिबल होना चाहिए
एम्बेडिंग मीडिया में, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम टाइम्स हम वही इम्प्रेगनेटिंग मीडिया लेते हैं जो हम यूज कर रहे हैं एज एम्बेडिंग मीडिया. दोनों ही सेम होने चाहिए, अगर दोनों एक दूसरे में मिसेबल नहीं होंगे तो आपकी जो स्टेनिंग है वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए उनका मिसेबल होना जरूरी है, दोनों की मिसेबिलिटी एक दूसरे में होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर सबसे पहले हमारे पास एक आता है पैराफिन वैक्स, एक होता है हमारे पास कोलाइडन. ठीक है, कोलाइडन होता है, रेजिन होता है हमारे पास, और अगार होता है, जेलेटिन होता है, और कार्बोवैक्स. ठीक है, ये कुछ एम्बेडिंग मीडियाज हैं जो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड बेसिकली हम पैराफिन वैक्स यूज करते हैं. पैराफिन वैक्स मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज किया जाता है, लेकिन हाँ हम इनको भी यूज करते हैं. अगर इनकी पैराफिन वैक्स नहीं है तो आप इनमें से भी कोई भी यूज कर सकते हो. तब हम इंडिविजुअली देख सकते हैं कि पैराफिन वैक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास. ठीक है, देखो जो पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 56 to 62 डिग्री सेल्सियस. 56 to 62 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये जनरली जो है वो इजिली मेल्ट नहीं करेगी. आपको 62 डिग्री इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 56 to 62, तब जाके ये मेल्ट करेगा. ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यही है इसका. एंड उसके बाद हम इसको फिल्टर भी करते हैं, कोर्स फिल्टर पेपर पे हम इसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो हमारी नाइफ एजेस होते हैं उसके ऊपर इसका कोई भी हार्ड इफेक्ट नहीं होता, ये नाइफ को जो है वो ब्लंट इतने इजिली नहीं करेगा. उसके बाद अगर हम बात करें अगार की, अगार भी हम एज एम्बेडिंग मीडिया यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था. तो अगार हम तब यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं डबल एम्बेडिंग करनी हो. ठीक है, हम क्या करते हैं अगार एम्बेडिंग को चूज कर सकते हैं. अगर आपको डबल एम्बेडिंग करना है किसी टिश्यू को लेकर तो आप उस टाइम पे अगार यूज कर सकते हो एज एन एम्बेडिंग मीडिया. अगार और अगार को हम और कहा यूज करते हैं, जो हमारे पास FNAC के स्पेसिमेंट होते हैं. ठीक है, और जो हमारे पास जो मैंने आपको बताया था स्मॉल बिट्स टिश्यू बिट्स जो आते हैं. ठीक है, जो बिट्स हैं टिश्यू बिट्स उनके लिए एज एन इम्प्रेगनेटिंग मीडिया इसको यूज कर सकते हैं. और FNAC की अगर बात करी जाए तो FNAC के केस में जो फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है हमारे पास, ठीक है, उसके केस में हम क्या कर सकते हैं अगार को एज ए वेडिंग मीडिया यूज कर सकते हैं. मतलब आपके टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है और क्या बायोप्सी उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है वो हम सभी टिश्यूज के लिए कर सकते हैं, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं कि वो किसी के लिए यूज नहीं होगा. लेकिन हाँ, जो अगार है अगार के लिए टिश्यू बिट्स एंड FNAC के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. पर हमारे पास है कोलाइडन मीडिया. ठीक है, जो आपका कोलाइडन है, कोलाइडन मीडिया. ठीक है, कोलाइडन मीडिया देखो सबसे पहले तो ये नाइट्रोसेल्यूलोज का वो है, नाइट्रोसेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड होता है. ठीक है, सेल्यूलोज होता है, उसका प्योरीफाइड फॉर्म होता है कोलाइडन मीडिया. एंड ये होता है हमारे पास हार्ट टिश्यूज के लिए, जो आपके हार्ट टिश्यूज रहते हैं ना उसके लिए हम यूज करते हैं कोलाइडन मीडिया. ठीक है, एम्बेडिंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, कोलाइडन मीडिया यूज करेंगे इन केस ऑफ हार्ट टिश्यूज. उसके बाद आपके पास जो रहता है वो होता है जेलेटिन. अब देखो जो जेलेटिन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अगार से भी कम होता है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन द अगार. और बेसिकली हम जेलेटिन उसके लिए, जो हमारे पास फ्रोजन सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, जो हम फ्रोजन सेक्शंस करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं जेलेटिन को यूज करते हैं एज एन एम्बेडिंग मीडिया. फ्रोजन सेक्शन के केस में हम जेलेटिन को यूज कर रहे हैं, हार्ट टिश्यू के केस में हम कोलाइडन को मीडिया को यूज कर रहे हैं. आपको पहले बताया FNAC, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं अगार यूज करते हैं, पैराफिन तो सबके लिए है. ठीक है, और इसके बाद ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेडिंग मीडिया जो मैंने आपको बता दिए कि हाँ किस टिश्यू के लिए आप क्या यूज कर सकते हो. क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हम एम्बेडिंग मीडिया यूज करेंगे वो होगा इपॉक्सी रेजिंस. ठीक है, इपॉक्सी रेजिंस के केस में हम यूज करेंगे मतलब इपॉक्सी रेजिन किसके केस में यूज करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये थे कुछ एम्बेडिंग मीडिया, कुछ क्या मतलब मैक्सिमम मैंने आपको बताई दी है. एंड यस, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए पता होना चाहिए. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो देखो ये सब जो मैंने आपको बताया तो आप लाइट माइक्रोस्कोपी में यूज करते हो. पैराफिन हम लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम क्या करते हैं पैराफिन वैक्स हम सब में ही यूज कर रहे हैं ना. बेसिकली हम तो पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, लेकिन हाँ अगर हमारे पास और एम्बेडिंग मीडिया अवेलेबल है तो हम उनको यूज कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टिश्यूज के केस में. लेकिन हाँ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम जो एम्बेडिंग मीडिया यूज करते हैं होता है इपॉक्सी रेजिन. सो ये था पूरा एम्बेडिंग मीडिया. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड डोंट वरी, इसके नोट्स में आपको दे दूंगी. ठीक है, नोट्स को जरूर चेकआउट करना, आपको ज्यादा समझ में आएगा और किस एम्बेडिंग मीडिया में क्या चीज इंक्लूड है वो भी आपको समझ में आ जाएगा. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लेना. यस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.